गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, आज हम बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री चैप्टर सेकंड आवर्तिता गुण में तत्वों के आवर्त सारणी में एक नए गुण विद्युत ऋणता इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का अध्ययन करेंगे। हमने इससे पहले इलेक्ट्रॉन बंधुता और आयनन ऊर्जा का अध्ययन किया था। विद्युत ऋणता क्या होती है या विद्युत ऋणता को हम किस तरह से परिभाषित कर सकते हैं? तो किसी परमाणु द्वारा यौगिक में बंधित इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने की प्रवृत्ति को विद्युत ऋणता कहते हैं। दो परमाणु आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक परमाणु दूसरे परमाणु से सिंगल बंद, डबल बंद या ट्रिपल बंद के रूप में जुड़ा हो सकता है। तो परमाणु उस बंद के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर कितने सामर्थ्य से आकर्षित करता है, यह उसकी विद्युत ऋणता कहलाती है। मैं इसमें दोबारा बताना चाहूँगा, दो परमाणुओं के बीच जो बंध है, उन बंध के बंधित इलेक्ट्रॉनों को परमाणु द्वारा आकर्षित किया जा रहा है, अन्य किसी इलेक्ट्रॉन को परमाणु द्वारा आकर्षित नहीं किया जा रहा है। सिर्फ दो परमाणुओं के बीच में जो बंध है, उन बंधित इलेक्ट्रॉनों को ही आकर्षित करने का सामर्थ्य किसी परमाणु की विद्युत ऋणता कहलाती है। विद्युत ऋणता का जो गुण है वो एक परमाणु का नहीं हो सकता है, क्योंकि एक परमाणु अगर अकेला है तो वो किसी के साथ बंध बनाएगा ही नहीं। जब उसने किसी के साथ बंध बनाया ही नहीं है तो बंधित इलेक्ट्रॉन ही कहाँ आएंगे। तो जब तक बंधित इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे तो विद्युत ऋणता को हम किस तरह से परिभाषित कर पाएंगे? तो विद्युत ऋणता किसी आइसोलेटेड या विलगित परमाणु का गुण नहीं है, यह एक बंधित परमाणु का गुण है। यानी वो परमाणु जो किसी अन्य परमाणु से किसी बंध द्वारा जुड़ा हुआ हो, उसी में हम विद्युत ऋणता को एक्सप्लेन कर सकते हैं या बता सकते हैं। अब जैसे हम एक उदाहरण लें ऑक्सीजन का, O2। अब O2 में दो ऑक्सीजन है, O, तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन के साथ डबल बंध वाला जुड़ा हुआ है, डबल बंध से जुड़ा हुआ है। जैसे ऑक्सीजन डबल बंध ऑक्सीजन, ऑक्सीजन डबल बंद ऑक्सीजन, तो इसमें दोनों ही ऑक्सीजन एक समान हैं जी, दोनों ही परमाणु सेम हैं, तो यानी कि इन दोनों की विद्युत ऋणता एक जैसी ही होगी। और ये दोनों आपस में सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़े हुए रहेंगे। क्योंकि दोनों परमाणु की विद्युत ऋणता समान है, इसलिए दोनों परमाणु बंधित इलेक्ट्रॉन को समान सामर्थ्य के साथ आकर्षित करेंगे। इसीलिए इन दोनों परमाणुओं के बीच जो बंध पाया जाएगा वो सहसंयोजक बंध पाया जाएगा और अध्रुवीय बंध पाया जाएगा। अगर ये दोनों परमाणु अलग अलग होते और एक परमाणु की विद्युत ऋणता ज़्यादा होती और दूसरे परमाणु की विद्युत ऋणता कम होती, तो ज़्यादा विद्युत ऋणता वाला परमाणु इस बंध के इलेक्ट्रॉनों को आसानी से अपनी तरफ आकर्षित कर लेता और अपनी तरफ आकर्षित करने के कारण ये बंध अध्रुवीय नहीं रहता। फिर ये बंध कैसा हो जाता? ध्रुवीय, यानी पोलर बंध हो जाता। जैसे ऑक्सीजन डबल बंध ऑक्सीजन, तो ये बंध अध्रुवीय यानी नॉन पोलर बंध का उदाहरण है। यह बंध सहसंयोजक जग बंध का भी उदाहरण है, क्योंकि दोनों परमाणु एक जैसे हैं तो दोनों परमाणुओं की विद्युत ऋणता समान है। यदि दो असमान अपरमाणु हो और उनके बीच में बंध बना हुआ हो, तो क्योंकि दोनों असमान परमाणु हैं इसीलिए दोनों की विद्युत ऋणता का मान भी अलग अलग होगा। तो जिस परमाणु की विद्युत ऋणता का मान अधिक होगा वो बंध के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर अधिक आकर्षित करेगा, जिससे उस बंध में ध्रुवणता बढ़ेगी और वो बंध ध्रुवीय यानी कि पोलर बंध में परिवर्तित हो जाएगा। ध्रुवीय होने की स्थिति में हम क्या करेंगे? क्योंकि ये बंध के बंधित इलेक्ट्रॉन हैं, है ना,
और ये बंद के बंद इलेक्ट्रॉन अगर एक परमाणु की विद्युतीयता ज़्यादा है उससे आकर्षित होकर बंद में अगर एक परमाणु के तो अधिक निकट चले जाएं और दूसरे परमाणु से दूर चले जाएं तो बंद के बंद इलेक्ट्रॉन जिस परमाणु के अधिक निकट जाएंगे उस पर आंशिक ऋणावेश यानी डेल माइनस तथा जिस परमाणु से बंद इलेक्ट्रॉन दूर जाएंगे उस पर आंशिक धनावेश यानी कि डेल प्लस को हम अंकित करेंगे। यानी कि जिस परमाणु की विद्युत ऋणता ज़्यादा है वो बंद इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करेगा तो उस पर आंशिक ऋणावेश आ जाएगा, और जिस परमाणु की विद्युत ऋणता कम है वो बंद इलेक्ट्रॉनों को उतने सामर्थ्य से आकर्षित नहीं कर पाएगा तो उसमें आंशिक धनावेश आ जाएगा। विद्युत ऋणता का रोल किस तरह से, विद्युत ऋणता को हम इलेक्ट्रॉन बंधुता से कैसे अलग कर सकते हैं? देखिए, दोनों में ही परमाणु इलेक्ट्रॉन को आकर्षित कर रहा है, लेकिन इलेक्ट्रॉन बंधुता के केस में हम ऊर्जा की बात करेंगे जबकि विद्युत ऋणता के केस में हम ऊर्जा की बात नहीं कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन बंधुता में परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन जोड़ा जा रहा है, उससे जो ऊर्जा मुक्त हो रही है उसे हम इलेक्ट्रॉन बंधुता कह रहे हैं, यानी बाहर से इलेक्ट्रॉन जोड़ा जा रहा है। लेकिन विद्युत ऋणता में बाहर से कोई इलेक्ट्रॉन नहीं जोड़ा जा रहा है, दो परमाणु आपस में जिन बंध के द्वारा जुड़े हुए हैं उन बंध इलेक्ट्रॉनों को ही अपनी ओर परमाणु के नाभिक के द्वारा आकर्षित किया जा रहा है और इसमें किसी प्रकार की ऊर्जा भी मुक्त नहीं हो रही है, जबकि इलेक्ट्रॉन बंधुता में ऊर्जा भी मुक्त होती है। व्हाट्सएप ग्रुप में मैंने नोट्स डाल दिए हैं, आप नोट्स को थोड़ा अच्छे से स्टडी कीजिएगा, मैं इसमें की पॉइंट हाईलाइट कर देता हूँ। देखिए, बंदी इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करना है और किसी इलेक्ट्रॉन को नहीं। दोनों परमाणु अगर समान हैं तो बंद कौन सा होगा? अध्रुवीय। लेकिन दोनों परमाणु अगर अलग अलग हैं तो वो बंद ध्रुवीय प्रकृति का बंद हो जाएगा। जैसे हम उदाहरण लें HCl, अब क्लोरीन की विद्युत ऋणता इसमें ज़्यादा है, हाइड्रोजन की विद्युत ऋणता कम है, तो हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच जो बंध है उस बंध के इलेक्ट्रॉनों को कौन आकर्षित आसानी से करेगा? क्लोरीन आसानी से हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच जो बंध है उनके इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करेगा, तो क्लोरीन पर आंशिक ऋणावेश और हाइड्रोजन पर आंशिक धनावेश उत्पन्न हो जाएगा। तो हाइड्रोजन और क्लोरीन के बंध के बीच जो बंध है वो कौन सा हुआ? ध्रुवीय बंध हुआ, और ये जो अणु है ये अणु भी ध्रुवीय हो गया है। अब विद्युत ऋणता को हम ज्ञात तो करने की बहुत सारी टेक्निक हैं, लेकिन विद्युत ऋणता एक आइसोलेटेड परमाणु की नहीं हो सकती, यानी विलगित परमाणु की नहीं हो सकती। कम से कम दो परमाणु होंगे जिनमें आपस में बंध है, उन्हीं के सापेक्ष हम विद्युत ऋणता की बात कर सकते हैं। विद्युत ऋणता को कई तरह से ज्ञात किया जा सकता है, जैसे कई वैज्ञानिकों ने नए मेथड दिए, जैसे पॉलिंग विधि, मूलिकन विधि, ऑलरेड रोसो विधि। पॉलिंग विधि इसमें कई बार एग्जाम में आ जाती है कि विद्युत ऋणता को परिभाषित कीजिए, कोई उदाहरण दीजिए और साथ में पॉलिंग विधि द्वारा विद्युत ऋणता कैसे ज्ञात की जाती है ये समझाइए। इसके अलावा मूलिकन विधि भी है, ऑलरेड रोसो विधि भी है, जेफ विधि भी है। चार ये विधियाँ हैं जिनके द्वारा हम विद्युत ऋणता को ज्ञात कर सकते हैं। एक दो बार एग्जाम में ये जेफ विधि या जेफ मेथड भी आया था जिसके द्वारा हमने विद्युत ऋणता को ज्ञात किया था। इसका अध्ययन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, उसके बाद विद्युत ऋणता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, विद्युत ऋणता आवर्त सारणी में किस प्रकार परिवर्तित होती है, यानी किस प्रकार यानी आवर्त सारणी में विद्युत ऋणता के परिवर्तन के किस प्रकार के ट्रेंड हैं, और जो विद्युत ऋणता को प्रभावित करने वाले कारक हैं जैसे प्रभावी नाभिकीय आवेश, परमाणु का आकार, ऑक्सीकरण अवस्था, हाइब्रिडाइजेशन या संकरण, ये सारे अपने विद्युत ऋणता को प्रभावित करने वाले कारकों में आएंगे। तो हम इसको और डिटेल में स्टडी करेंगे, लेकिन आपको ये कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि विद्युत ऋणता क्या है और इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या है ना। ये थोड़ा सा मैंने आपको जिसमें अंतर है उसको मैंने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, लेकिन मेनली अंतर यही है कि इलेक्ट्रॉन बंधुता में ऊर्जा मुक्त होगी जबकि विद्युत ऋणता में कोई ऊर्जा मुक्त नहीं होगी। इलेक्ट्रॉन बंधुता में इलेक्ट्रॉन बाहर से आके परमाणु में जुड़ेगा जबकि विद्युत ऋणता में बाहर का परमाणु नहीं, बंधी परमाणु को ही इलेक्ट्रॉन अपनी ओर आकर्षित करेगा। जो इलेक्ट्रॉन बंधुता है वो विलगित यानी आइसोलेटेड
परमाणु की होती है, जबकि विद्युत ऋणता आइसोलेटेड परमाणु की नहीं हो सकती। जैसे हम एक और एग्जाम्पल लें विद्युत ऋणता के केस में कि विद्युत ऋणता किसकी ज़्यादा है और इलेक्ट्रिक बंधुता किसकी ज़्यादा है। देखिए विद्युत ऋणता की हम बात करेंगे तो फ्लोरीन की विद्युत ऋणता ज़्यादा होती है, जो कि होती है 4.0 यानी 4। तो विद्युत ऋणता आवर्त सारणी में किसकी सबसे ज़्यादा है? फ्लोरीन की। लेकिन अगर हम इलेक्ट्रॉन बंधुता की बात करें तो इलेक्ट्रॉन बंधुता आवर्त सारणी में सबसे ज़्यादा फ्लोरीन की नहीं होती है, तो किसकी होती है? तो इलेक्ट्रॉन बंधुता आवर्त सारणी में सबसे ज़्यादा होती है फ्लोरीन की। इस पर अलग से क्वेश्चन भी आता है कि फ्लोरीन की विद्युत ऋणता ज़्यादा है जबकि क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता, ऐसा क्यों? जिसको हम अलग से लेक्चर में डिस्कस करेंगे, है ना। तो आप व्हाट्सएप ग्रुप से नोट्स ले लीजिएगा, उनको अच्छी तरह से नोट डाउन करके विद्युत ऋणता को स्टडी करने की कोशिश कीजिएगा, और जो मैं असाइनमेंट दूँ उनको सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, है ना। और नेक्स्ट क्लास में हम जल्दी ही मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।